अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। केसरी ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरजू। Yeah.
वतन मेरे वतन, ए वतन और देश में एक ऐसा वातावरण पैदा करें कि हर नागरिक बिना भय के, बिना डर के अपना कार्य कर सके, अपना जीवन प्रवाह कर सके और देश की तरक्की में निरंतर अपना योगदान देता रहे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आईजी वेस्टर्न सेक्टर का, जो उन्होंने अपने अधिकारियों को यहाँ भेजा, उन्होंने जो हमारे सेक्टर को सम्मान दिया। और मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो रैली आपने इतने जोश के साथ, इतने हर्ष उल्लास के साथ साबरमती से शुरू की, हमारे राजस्थान सेक्टर के जवान उसी शिद्दत के साथ, उसी उत्साह के साथ 650 किलोमीटर का सफर करते हुए आपके द्वारा दिए हुए ध्वज का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। मैं यहां पर उपस्थित अपने मीडिया बंधुओं के माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि राजस्थान एक रण बांकरों की धरती है, वीरों की धरती है। राजस्थान के वीरों के इतिहास को कोई रोशनी दिखाने की आवश्यकता नहीं है और राजस्थान राज्य ने हमारे सभी बलों को अनेक वीर सपूत दिए हैं और कई ऐसे वीर हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश की एकता और अखंडता के लिए दिया है, जो कि हमारे लिए राजस्थान में तैनात होना अपने आप में एक गर्व की बात है कि हमें इन वीरों की धरती पे अपनी सेवा देने का मौका भारत सरकार द्वारा मिला है। मैं उन सभी रण बांकरों को, उन वीरों को नमन करता हूं और इस मौके पे एक बार फिर हमारे जितने वीर देश के लिए शहीद हुए हैं, आप सबके माध्यम से उनके परिवारों को एक बार फिर ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस बल के और सभी केंद्रीय बलों के जितने अधिकारी हैं, जितने अधीनस्थ अधिकारी हैं, जितने जवान हैं, हम हमेशा अपने उन वीर परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं यहाँ पर आए हुए अपने मीडिया के बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और यहाँ जो पुलिस के कार्मिक बैठे हैं उनके माध्यम से मैं उनकी पुलिस महानिरीक्षक दान साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे मालूम है कि राज्य के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर दो प्रमुख उच्च वीआईपी उदयपुर में होने के कारण आज हमारे बीच सम्मिलित नहीं हो पाए हैं। उनके काफ़ी कार्य हैं, वे काफ़ी व्यस्त हैं, लेकिन यहाँ पर उपस्थित मीडिया के बंधुओं की ओर से, पुलिस के अधिकारियों की ओर से मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने इस देशव्यापी रैली को राजस्थान से गुजरने में सफल बनाने के लिए आपका योगदान दिया, उसके लिए हम आभारी हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ से ये रैली गुजरेगी, राजस्थान पुलिस का हमारे साथ पूरा सहयोग रहेगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस के कार्मिक भी हमारी तरह वर्दीधारी हैं, हमारे ही बंधु हैं, हमारे ही साथ
जहां उन्हें आवश्यकता पड़ती है हम उनकी सहायता के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं। आप जो बहादुर जवान और हमारी महिलाएं रैली पूरी करके आई हैं, वो सकुशल यहां से अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे राजस्थान के जवान जो यहां से आगे प्रस्थान करेंगे, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप देश के ध्वज को, अपने बल के ध्वज को, अपने आचरण से, अपने कर्तव्य निष्ठा से, सत्य निष्ठा से हमेशा ऊंचा उठा के रखेंगे और देश का और बल का और अपने अपने राज्य का नाम ऊंचा करेंगे। जय राजस्थान, जय भारत, जय सीआरपीएफ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान सेक्टर की साइकिल रैली भी बढ़ चढ़ करके जिस प्रकार से वेस्टर्न सेक्टर की साइकिल रैली ने भाग लिया है, उसी प्रकार से बढ़ चढ़ कर हमारे राजस्थान सेक्टर की साइकिल रैली भी राजघाट पहुँचेगी और जवानों में उत्साह निरंतर बना रहेगा। इसी क्रम में मैं आज की मैजिशियन आचल, जो कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, जिन्होंने राष्ट्रपति अवार्ड भी जीता है, लिम्का अवार्ड में भी इनका नाम है और साथ साथ में पढ़ाई में भी ये गोल्ड मेडलिस्ट है, उनके द्वारा एक मैजिक शो का प्रदर्शन हमारे जवानों के हौसला अफजाई के लिए किया जाएगा ताकि जवानों का मनोबल बने रहे। जादूगर आचल। वीरों की जननी, त्याग और बलिदान की भूमि राजस्थान का एक खूबसूरत शहर और राजस्थान का एक है दुनिया के जो सबसे नामचीन खूबसूरत शहर है उनमें से एक खूबसूरत शहर उदयपुर में पधारे हुए सभी जो साइकिल रैली के सीआरपीएफ के जवान हैं और बाकी के सभी जवान हैं आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि साहब, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पर क्योंकि मैं जादूगर हूँ तो शब्दों से स्वागत करने की जगह जादू से स्वागत करूंगे तो ज्यादा मजा आएगा, कैसा लगता है आप लोगों को? एक छोटा सा जादू आप सभी के स्वागत के लिए। ऑलराइट, सो मेरा नाम आंचल कुमावत है, मैं उदयपुर की ही रहने वाली हूँ और पिछले करीब 23 सालों से मैं इस जादू के फील्ड में हूँ। अब तक हिंदुस्तान के लगभग 17 राज्य और आउट ऑफ इंडिया 7 देशों में 12,500 से ज़्यादा स्टेज शोज कर चुकी हूँ और ऐसा इतने सारे शोज करने वाली भी मैं दुनिया की पहली सबसे कम उम्र की मैजिशियन बनी हूँ, आप सभी के आशीर्वाद से। तो पिछले कई सालों में कई जगह परफॉर्म करने के मौके मिले हैं, कई सारे टीवी शोज में पार्टिसिपेट किया है, जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट हुआ या इंडियाज बेस्ट स्टार, कई सारे शोज हम देखते हैं। अक्सर एक गलत धारणा लोगों के दिमाग में रहती है कि जिन चेहरों को हम टीवी पर देखते हैं वो सही मायने में हीरो हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने के जो हीरो हैं उनके सामने आज मेरा सौभाग्य कि मैं रूबरू हो रही हूँ। तो आप सभी को दिल से नमन है कि जो कार्य आप लोग कर रहे हैं जनता की सुरक्षा के लिए, हमारे सभी की सुरक्षा के लिए, और आज जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है इसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एंड डेफिनेटली जैसा कि अभी मैं सर को सुन रही थी कि आज हम सभी उन वीर जवानों को, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिनकी वजह से आज हम इस आज़ादी के वातावरण में हम आराम से खुली तरह सांस ले पा रहे हैं, तो उन सभी को प्रणाम है। वैसे अक्सर देखा गया है कि जब भी मैजिशियन सामने होता है, कोई जादूगर सामने होता है, तो लोग सुनना कम देखना पसंद करते हैं और मैं आप लोगों के चेहरे से अनुभव कर पा रही हूँ बीइंग अ साइकोलॉजिकल स्टूडेंट कि सुनता हूँ बहुत देर से है, कुछ दिखा दो तो ज़्यादा मजा आएगा, क्या लगता है आप लोगों को? तो चलिए मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें, एक दो मैजिक ट्रिक, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगी क्योंकि ये वक्त बहुत अलग है। हाँ, जो जादू मैं दिखाना चाह रही हूँ उसकी वजह सिर्फ इतना ही है कि आप सबको कुछ दे रहे हैं, इतना कुछ देते हैं आप हमारे देश के जनता को, तो दो पल की मुस्कुराहट आपके चेहरों पे अगर मैं ला पाई तो मेरे लिए मेरा जादूगर होना सार्थक हो जाएगा, तो यही मेरी कोशिश रहेगी। तो सबसे पहले जो मैं पहला जादू दिखाने जा रही हूँ उसके बारे में एक बताना चाहूंगी। अक्सर सर सामने तो वहां से थोड़ा सा
अब सर लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि आंचल जब आप पिछले इतने सालों से शोज कर रही हो और इतना कुछ कर रही हो तो अभी तक का सबसे बड़ा मैजिक वो आपका कौन सा था? तो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी, सन 2014 में हमने एक मैजिक किया था जब मुझे 100 फीट लंबी स्टील की चेन और 100 तालों से बांधा गया। चेन और तालों का वजन मेरे वजन से ज्यादा था, इस तरह मुझे एक तरह से जकड़ दिया गया पूरा। उसके बाद एक लकड़ी के बक्से में मुझे बंद कर दिया। उस बॉक्स को भी बाहर से तालों की जगह हम लोगों ने वेल्ड किया था। ताले तो हर लोग लगाते हैं। उस बॉक्स में जिसमें मैं 100 फीट चेन और तालों से बंधी हुई थी, उस बॉक्स को बाहर से लोहे की पत्तियों से वेल्ड कर दिया, परमानेंट स्टील कह सकते हैं सील कर दिया। फिर एक क्रेन से उठाकर एक सूखे घास के कुएं में उसको डाला गया और उसमें आग लगा दी और मैं वो जलती हुई आग में से कुछ सेकंड्स में सकुशल बाहर आई थी। ऐसा करने वाली मैं देश की पहली महिला जादूगर बनी हूँ। और हमारे इस एक्ट को सन 2016 की लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है। देखिए आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, ये सारी कहानी बताने के पीछे मकसद इतना ही है कि अभी जो मैजिक कर रही हूँ मैं उसका एक छोटा सा डेमो है, छोटा सा एक प्रारूप है। और इसके लिए मैं चाहूंगी हमारे जो दो भाई साबरमती से चलकर आए उनमें से कोई भी दो भाई स्टेज पर आ सकते हैं, कोई भी दो जने, मुझे अच्छा लगेगा एज अ मुझे मदद करने के लिए। अरे जाओ, तालियां होनी चाहिए इन दोनों के लिए। आइए सर जी। प्रणाम, आपका शुभ नाम? पापूतान। पापूतान, पापूतान, बहुत अच्छा नाम है, यूनिक नाम है। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? खैरा गणेश। ओके, आप एक इस तरफ आएंगे प्लीज, एक इस तरफ आएंगे। देखिए आज होने वाला क्या है, मैंने आपको स्टोरी तो बता दी है कि हम लोगों ने थोड़ा सा सर बस इतना ही क्या किया था, किस वजह से मेरा नाम लिम्का बुक में आता है, वो पूरी कहानी बता दी। तो मेरे पास एक रस्सी है और मैं चाहूंगी आप इस रस्सी को चेक करें। तो एक सिरा आप पकड़ लीजिए सर, एक सिरा आप पकड़ लीजिए, एक मिनट रुकना मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ। हाँ, अब आप खींच कर देख सकते हैं क्या ये ओरिजिनल रोप है, इसमें कुछ जादू चालाकी? बस भाई साहब ध्यान रखना, वो एज पर खड़े हैं तो धक्का मुक्के में आपको आगे की भी यात्रा नहीं करनी है। तो ओरिजिनल रोप है राइट, इसमें कुछ चालाकी कुछ डुप्लीकेट ऐसा कुछ नहीं है, संतुष्ट है? ओके, तो नहीं वो कई बार होता है थोड़ा मैजिशियन है ना तो पूछना पड़ता है। तो सर आज आप दोनों को करना क्या है, आप दोनों को मिलकर मुझे इस रस्सी से बांधना है। सर कितना एक्साइटेड है ना कि हाँ इतने दिन की थकान आज उतरेगी किसी जादूगर को बांधने में। वैसे सर ने अपना मुंह ढक रखा है, बाकी आई एम डैम श्योर सर मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं। हाँ सर ओके, आप इसको बांधे उससे पहले एक सवाल, वैसे क्योंकि जिस फील्ड में आप हैं तो शायद कई बार ऐसा मौका होता हुआ कि कोई बदमाशी कर रहा हो, तो जिस फील्ड से आप हैं तो उसमें कई बार ऐसा मौका होता होगा सर कि कोई बदमाशी कर रहा हो तो उसको बांध के आपने रखा होगा बांधने का ऐसा? तो मेरा सवाल इतना सा है कि आज से पहले आपने कभी किसी को बांधा है? ऐसा कोई मौका नहीं मिला? मेरे को गुजरात मत लेके जाइएगा, हाँ यही बांधना है। और बिना ढीला छोड़ते हुए मेरा हाथ के ऊपर गांठ लगा दीजिए। ठीक है, फिर ठीक है ओके, इसके चाहो तो आप और टाइट कर सकते हो। ठीक है, एक गांठ और लग
थैंक यू सो मच सर, इनको ले लीजिए सर को। ओके, और ये एक सर नैपकिन है, इसको एक बार चेक कर लीजिए, इसमें कुछ है तो नहीं? तो लिया, सही है, कुछ नहीं। तो सर आपसे एक सवाल, अगर मैं अपने दांतों से इन गांठों को एक एक करके खोलूं दांतों से, तो मुझे कितना समय लगना चाहिए इसको खोलने में? कम से कम 5 मिनट लगना चाहिए जिस हिसाब से आपने बांधा है। और कोई मुझसे पूछे कि किस तरह से बांधा है तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो हम करेंगे क्या सर, मैं बोलूंगी 1 2 3 आपको जो टॉवल है ये तौलिया है इससे मेरे हाथ को कवर करना है, करके बताइए कैसे करेंगे आप? परफेक्ट, आपको ऐसे कवर करना है और सर आपको आपकी घड़ी में समय देखना है कि मुझे कितना टाइम लगता है यहाँ से खुलने में। राइट, रेडी है सर आप? सर आप रेडी है? ओके, सो 1 2 एंड 3 बिल्कुल इसको ऐसे कवर कर दीजिए और इसको कवर पकड़ के नहीं रखना है, इसको छोड़ो, इसको कवर करके इसे छोड़ दो और छोड़ के थोड़ा सा पीछे हो जाइए ताकि ये लोग भी देख सके कि क्या हो रहा है। मैंने कुछ किया नहीं, हटा लो सर, मैंने कुछ किया नहीं, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। हो गया।
सुना दिया होता है। और पीछे जो सर मुझे दे रहे थे उनको लगा था क्या हमारा नोट पहले क्यों नहीं निकला। नरगिस जी आपके लिए थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां नरगिस जी के लिए। हाँ जिनको शक है कि असली है या नहीं है वो जाके उनसे बाद में लेके चेक कर सकते हैं। नरगिस फायदा हो गया सर, सर कह रहे होंगे कि मेरे पास तो 50 की गड्डी है कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। नहीं लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जब भी मैं आउट ऑफ इंडिया परफॉर्म करती हूँ तो लोग मुझसे एक सवाल करते हैं, जैसा कि मेरे हर मैच में कोई ना कोई सवाल है, तो इसमें भी एक सवाल रहता है कि आंचल आपके देश की सबसे बड़ी खूबसूरती या खूबी क्या है। तो मेरा एक ही जवाब रहता है कि कोई एक खूबी हो तो बताओ, मेरा देश तो खूबियों से भरा है। तो आज जो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ वो उनमें से जो सारी खूबियां हैं उनमें से एक खूबी है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो हमारे देश में एक खासियत है कि हमारे देश में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इतनी सारी संस्कृतियां मौजूद हैं, इतने धर्मों के लोग मौजूद हैं। तो आज उनके ही कुछ प्रतीक के रूप में मेरे पास है कि हमारे यहाँ हिंदू रहते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, और सबसे खूबसूरती की बात ये कभी भी किसी को किसी से कमजोर या किसी से महान नहीं समझा जाता है, हम सब एक हैं। तो वो सभी जो विविधताओं में एकता, ये जो खूबी है हमारे देश की, ये सबसे खास खूबी है कि हम सब फिर भी एक है, कि जब कोई बात आती है देशभक्ति दिखाने की तो हम कभी किसी से पीछे नहीं हटते। तो ये सारी खूबियां हमारे देश में मौजूद है और इन सभी खूबियों के साथ बनता है हमारा एक भारत, श्रेष्ठ भारत, हमारा भारत। मुझे चार लाइनें याद आ रही है हर जवान के दिल की बात, जो कहते हैं एक दोहा या कविता या जो भी मैं कहूँ, चार लाइनें याद आ रही है कि वतन की आबरू लुटने न देंगे, मिटेंगे हम तुझे मिटने न देंगे, लिखेंगे इतिहास अपने लहू से, तिरंगा हम कभी झुकने न देंगे। मैं आदरणीय सर का सभी जवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। यह जो मुझे मौका मिला आप लोगों के बीच आने का, 2 मिनट अपनी कुछ भी कला दिखाने का, मैं कभी भी चाहूंगी जब भी मैं आप लोगों के शहर में आऊँ तो प्लीज आप लोग मुझसे मिले, और आप लोग लिए हमेशा से हमारा जो शो रहता है वो आप लोग लिए स्पेशल पास है। मैं आपके सामने अनाउंस करके जा रहा हूँ, कोविड के बाद हम फिर से शो स्टार्ट करेंगे, हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारे शो में एज अ गेस्ट कभी आए, तो आप जरूर जब भी आपके किसी शहर में हमारा शो लगता हो, क्योंकि यहाँ पे साबरमती से हैं कुछ, हमारे उदयपुर से कुछ लोग बाहर से भी होंगे, तो जब भी हमारा किसी भी शहर में शो होता है प्लीज आके बताइए, हम वहां मिले थे, हमें अच्छा लगेगा आप हमारा पूरा शो कभी देखें। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, ये मेरा सौभाग्य, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ आपके सामने खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एंड भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत। थैंक यू वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद यादव रामचंद्र, इस प्रकार से जादू दिखाकर आपने हमारे जवान की उत्साह अपने करी। अब कार्यक्रम के अंत में मैं श्री अजय कुमार प्रसाद कमांडेंट डीसी मंच से अनुरोध करूंगा कि वह मंच पर आकर के धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय श्री विक्रम सहगल पुलिस महानिरीक्षक राजस्थान सेक्टर, श्रीमती इंद्राणी यादव कमांडेंट ग्रुप सेंटर गांधीनगर, उपस्थित अधिकारीगण, हमारे अधीनस्थ अधिकारीगण, बीएसएफ से आए हुए हमारे प्यारे जवान, आरएसी से आए हुए हमारे प्यारे जवान, एनडीआरएफ के जवान, राजस्थान सेक्टर की साइकिल टीम, और गांधीनगर से 135 महिला बटालियन की 3 महिलाएं
साइकिलिस्ट हैं और उनके साथीगण तथा मीडिया से आए हुए हमारे मीडिया कर्मी बंधु, राजस्थान पुलिस से आए हुए हमारे प्यारे जवानों, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस जो साइकिल रैली साबरमती से राजघाट के लिए चली है, जो आज उदयपुर में उनका आगमन हुआ है और फर्दर उन्होंने अपना बैटन राजस्थान सेक्टर की साइकिल टीम को हस्तांतरित किया है, जो कल सुबह 6 बजे से फतेह सागर पाल से प्रस्थान करेगी एवं 2 अक्टूबर सुबह राजघाट पे गांधी जयंती के अवसर पर पहुंचेगी। इस अवसर पे आप सब आए, आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, विशेषकर से अपने मुख्य अतिथि श्री विक्रम सहगल पुलिस महानिरीक्षक राजस्थान सेक्टर का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस अवसर पे महोदय ने हमारे अतिथि को स्वीकार किया तथा इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करने में, इसको सफल बनाने में भी काफी अपना सहयोग किया। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही ये भी अनाउंस करता हूँ कि अधिकारियों के लिए, मीडिया पर्सन के लिए जलपान की व्यवस्था है, साथ में हमारे जितने भी साइकिलिस्ट हैं दोनों सेक्टर्स के, वेस्टर्न सेक्टर्स के, राजस्थान सेक्टर्स के तथा बाहर से आए हुए हमारे NDRF के जवान, ASF के जवान, RSC के जवान, सभी के लिए जलपान की व्यवस्था है। प्रस्थान करने से पूर्व जलपान अवश्य ग्रहण करें। धन्यवाद। श्री गोविंद सिंह टाक, महापौर नगर निगम उदयपुर, श्री विक्रम सहगल, IG राजस्थान सेक्टर CRPF, उपस्थित अगस्त गैदरिंग, आज हम लोग यहां फतेह सागर लेक में एक अच्छे मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसा आपको विदित है कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतवर्ष में साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये जो साइकिल रैली है साबरमती से 15 सितंबर को स्टार्ट होकर के 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन राजघाट पे समाप्त होगी। इसी क्रम में साइकिल रैली अहमदाबाद से चलकर कल शाम को उदयपुर पहुंची थी। इनका इस साइकिल रैली का भव्य स्वागत गांधी मैदान में किया गया था। आज इन्हें आगे प्रस्थान करने की वेला है। आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच श्री GS टाक, महापौर नगर निगम उदयपुर उपस्थित है, हम इनके बहुत आभारी हैं। साइकिल रैली आज से स्टार्ट होने के पश्चात 2 अक्टूबर के बीच करीब करीब 650 किलोमीटर का सफर तय करेगी। साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार की साइकिल रैलियां भारत के प्रत्येक दिशा से चल रही है। एक हमारी CRPF के द्वारा आयोजित साइकिल रैली जोरहाट से चल रही है, जो 2 अक्टूबर को राजघाट नई दिल्ली पहुंचेगी। उसी प्रकार से एक साइकिल रैली जम्मू से चलकर राजघाट पहुंचेगी।
और सबसे लंबी दूरी एक कन्याकुमारी से राजघाट के लिए प्रस्थान किए, जो तकरीबन 2560 किलोमीटर की सफर तय करके अपने गंतव्य पे पहुंचेगी। ये सभी साइकिल रैलियां जारी है, भारतवर्ष के विभिन्न शहरों से, अपने अपने शहरों से गुजरती हुई देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता का मैसेज लेकर के सभी ने देश की देशभक्ति की भावना को उत्पोत करके ये प्रस्थान कर रही है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज इस साइकिल रैली में हमारे बीच उदयपुर साइकिल क्लब के सम्मानित सदस्य भी भाग ले रहे हैं। हमारे जवानों के अतिरिक्त इन लोगों का भी मनोबल काफी ऊंचा है और हमारे आग्रह को सहस्त्र इन्होंने स्वीकार किया और आज इस अवसर पे सभी साइकिलिंग करने के लिए, इस रैली का साथ देने के लिए तैयार है। इस अवसर पे मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि श्री जीएस टाक महापौर नगर निगम उदयपुर से आग्रह करता हूं कि आशीर्वचन के रूप में दो शब्द कहें। जिस दो देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के ऊपर रैली की जा रही है सारे भारतवर्ष के अंदर, बहुत ही अच्छा कार्य है, पवित्र कार्य है, लोगों को प्रेरणा देने वाला है। और साउंड रहा श्रवण, जो भी लोग बाग इस रैली में भाग ले रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, शुभ कार्य कर रहे हैं और देश के लिए प्रेरणा जगाने का कार्य कर रहे हैं। इनके लिए उदयपुर की जनता की तरफ से मैं आप सबको बहुत आशीर्वाद आभार प्रकट करता हूँ कि आप ये कार्य में भी आज आपने प्रारंभ किया है। आप जहाँ जहाँ भी गुजरेंगे वहाँ सब जगह इसका प्रेरणा स्रोत मिलेगा। और मैं सोचता हूँ कि जो आपने बताया कि 2 अक्टूबर को आप राजघाट पहुँच जाएंगे तो मेरी शुभकामना है आपका रास्ता भी ठीक रहे और स्वस्थ रहे सब, आप लोग बात सब घर पहुँचे और देश को जागृति जो जगाने का कार्य है तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपने मेरे को यहाँ बुलाया और बुला करके ये भी यहाँ पर मेरे को एक तरह से सम्मिलित किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद महोदय, आपके आशीर्वचन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे, आपकी बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे और आशा करेंगे कि हमारी साइकिल रैली सुरक्षित और सफल तरीके से राजघाट पहुंचेगी। इस अवसर पे मैं ये भी बताते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं कि आज की साइकिल रैली का नेतृत्व स्वयं हमारे आईजी श्री विक्रम सहगल सर कर रहे हैं। बिल्कुल आ जाए आप, बस मैं एक लाइन जवानों के लिए बोलना चाह रहा था जिससे हो सकता है बोलने से जो हौसला अफजाई हो। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित कर दे तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अर्पित कर दे तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सर, वंदे मातरम का नारा भी लगवाइए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
Thank you.